वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जितने नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस की आप नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर जब नज़ला, ज़ुकाम या बुखार हो तो आपका एक नाक जो है, एक साइड नाक की बंद हो जाती है, चाहे वो लेफ़्ट हो या वो राइट हो। इसमें नाक बंद हो जाता है जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो आप लोग तरह तरह के बाम का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका नाक जो है वो खुलता नहीं और आपको थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाता है। तो इससे छुटकारा हासिल करने का आज मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, टोटका बता रही हूँ। एक गिलास पानी में 15 लौंगे, लौंग जो होता है मसाले में मौजूद, 15 लौंगे और एक खाने का चम्मच नमक डालें। इसे अच्छी तरह उबालें और इस पानी से गरारे करके नाक में पानी डालें और फिर इसे नाक भी आप धोएं। इसके अलावा अगर आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक खाने का चम्मच सौंठ लें और एक खाने का चम्मच दालचीनी। इन दोनों को बारीक कर लें, इसको पीस लें और फिर 10 चम्मच शहद में इसको मिला लें। शहद लें, उसमें इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह जब मिक्स कर लें तो इसका एक चम्मच आप खा लें और फिर चाय या कॉफ़ी पी लें। इसके इस्तेमाल से आपका फौरी जो बंद नाक होगा वो खुल जाएगा और बंद नाक से छुटकारा हासिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।